हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास सिक्स का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की दिखा रहा हूँ। इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा, ताकि जिन बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट वालों का ये पेपर हुआ था ना, तो उसी के आंसर की है, ठीक है। और देखो, लेटर आपको अपने आप बना कर लिखना पड़ता है, और जो आपको पैराग्राफ राइटिंग है वो भी आपको लिखना पड़ता है। बच्चे सोच रहे थे कि इसमें भरना है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो और अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी ग्रामर के आंसर हैं, ठीक है। और ये सेंटेंस वाले थे, जो जिसमें हमें अपोज वर्ब करना था वो, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्रपोजिशन, सेक्शन डी के आंसर, ठीक है। और ये वैल्यू पॉइंट, मतलब मेन में लिखा, आप अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, और ये आप याद कर लेने से। ये है इंग्लिश का पेपर, इस वाले टिक को मत देखना, ठीक है। ये पैराग्राफ है ना, तो जैसे पैरट इज माय फेवरेट बर्ड, ठीक है। और ये अपनी लैंग्वेज आपको बना बना के लिखना है, ठीक है। जैसे इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, या इट हैज़ ब्यूटीफुल ग्रीन फीदर्स, तो ऐसे आप लैंग्वेज में बना बना के लिख सकते हो। जो नहीं कि आप सोचो कि इसमें बीच में भरना है, बीच में भरना नहीं होता, इसके एंड लेके अपने लैंग्वेज में लिखना, नहीं तो आप अपनी मर्जी से जो अभी आपने याद किया वो लिख सकते हो। ये मत सोचना कि जैसे सर इसमें पैरट का आगे मैंने स्पैरो को याद रख रखा था तो मैं क्या करूँ। तो जो बच्चे अब देख रहे हैं ना, तो माई फेवरेट बर्ड लिखा, कुछ भी लिखो, जरूरी नहीं है आपने लिखना है, जो आपको याद है वही वाला लिख लेना। ऐसे माय स्कूल है, आपको जो स्कूल का आपने याद रखा पैराग्राफ वही लिख देना बस। ये सारी ग्रामर है, आंसर दिखा दिए, इसमें जो निशान लगे गलत है, ठीक है। अपोजिट वर्ड है, ये सारी ग्रामर है, ये सेक्शन डी है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।